हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 8वां है। इससे पहले मैं 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूँ आपके समय को देखते हुए दोस्तों। एंड अब आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है बीपीएससी और ईएमआरएस के लिए विशेषकर, और अदरवाइज किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं दोस्तों इन प्रैक्टिस से पहले मैं सभी टॉपिक को टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कराई हूँ, जिसमें आपका 60-70 वीडियो पड़े हुए हैं, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सभी में 125-125 क्वेश्चंस है, और इस प्रैक्टिस सेट को लगा के ही आप पेपर में जाइए, क्योंकि अब टाइम नहीं है विस्तृत पढ़ने का। जो आप थ्योरी पढ़े होंगे, पढ़ चुके होंगे, ज़्यादातर प्रैक्टिस ही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसका आरंभ 1973-74 में हुआ था। ये सीमित ओवरों की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है? तो 45 सेंटीमीटर होता है, जो इसमें रिंग लगी होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? तो आप सबको पता है 42.195 किलोमीटर, यानी 26 मील 385 गज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉकी मैच में खेल अवधि कितनी होती है? तो 60 मिनट, यानी कि 15 मिनट की 4 क्वार्टर्स होते हैं। प्रत्येक क्वार्टर के बीच जो गैप होता है 2 मिनट का होता है, मध्यांतर 5 मिनट का होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, डिसमिसल भाग है तो किसका भाग है दोस्तों? तो डिसमिसल जो है आपका पाठ योजना यानी लेसन प्लान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लैक्टिक अम्ल का उप उत्पाद है किसका दोस्तों? वायवीय उपापचय का कि अवायवीय उपापचय का कि किसका? तो हम बताए हैं दोस्तों कि कभी भी अनएरोबिक क्रियाओं में लैक्टिक अम्ल बनता है, एरोबिक में नहीं, तो यह अवायवीय उपापचय का उप उत्पाद है लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएसए यानी अमेरिका में है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, बूस्टर शब्द संबंधित है, तो यह बूस्टर यानी कि ऊपर उठाना, यह वॉलीबॉल से रिलेटेड है। एक होता है सेट, 60 सेट सेट करना, तो वो बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाचन ग्रंथि शरीर के किस तरफ होती है? तो इसका राइट आंसर नहीं दिया जा सकता, किस तरफ होती है तो मध्य में होती है, बाई तरफ ही ज्यादा है, बट यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है? आप आयोग क्या मानता है उसके हिसाब से ए निर्धारित होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व तो हैं दोस्तों, पर्सनालिटी को प्रभावित करता है वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन एस्कार्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है? एस्कार्बिक अम्ल जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इसका सबसे बढ़िया स्रोत है आंवला, जबकि ये जितना ऑप्शन दिया है सभी में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे बढ़िया स्रोत है आंवला, उसके बाद नींबू, फिर अमरूद, तब टमाटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैडमिंटन को एशियाई खेलों में पहली बार किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था? तो एशियाई खेलों में 1962 में सम्मिलित किया गया था दोस्तों, जबकि ओलंपिक खेलों में 1992 में सम्मिलित किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, आंत्रज्वर और हैजा किस प्रकार के रोग हैं? तो आंत्रज्वर, टाइफाइड जिसे आंत्रज्वर मियादी बुखार भी कहा जाता है, जिसे हमारी आंतें प्रभावित होती हैं, टाइफाइड बोला जाता है, और हैजा जिसे कॉलेरा बोला जाता है, विब्रियो कॉलेरी से फैलता है, और जो हमारा आंत्रज्वर है, ये आंत्रज्वर जो है आपका टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है, तो ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। एंड पानी जनित या भोजन जनित रोग होता है, तो दूसरे जल पीने से होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पानी जनित रोग, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राण वायु कौन है? तो दोस्तों ऑक्सीजन को ही प्राण वायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है, तो कहाँ है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्रंथि या
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क की सतह में सेला टर्सिका गर्त में होती है। पीयूष ग्रंथि भी इसे कहते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क की गर्त में स्फिनॉइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होती है जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार जो है जो 0.6 ग्राम होता है। यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की नियंत्रित करता है, इसलिए इसको प्रमुख ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फेफड़े हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन है श्वसन तंत्र का मुख्य श्वसन अंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेशाब में प्रतिदिन पानी कितना खर्च होता है, तो दोस्तों कब्ज प्रतिदिन लगभग 1500 ml यानी कि आधा 1.5 लीटर आपका खर्च होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, धमनियां रक्त ले जाती हैं, तो कहाँ से, हृदय से ले जाती हैं, हृदय से अंगों की ओर। अगर सीधा कहेगा तो हृदय को रहेगा सही, तो धमनियां रक्त ले जाती है हृदय से अंगों की ओर, ये हृदय से आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रौढ़ हृदय का वजन कितना होता है, एक वयस्क व्यक्ति का हृदय का वजन होता है कम से कम 250 से 300 ग्राम, यहाँ पे 260 से 300 ग्राम होगा। वहीं पे एक एथलीट का हृदय बात बोलेगा तो 500 से 5500 ग्राम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो आप सबको मालूम है 120 दिन होता है, ठीक है। यही प्रैक्टिस है दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चनों का। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1984 में हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, महिला भाला का वजन कितना होता है, तो आप सबको पता है 600 ग्राम होता है, पुरुष के लिए 800 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है दोस्तों, तो सीवर का पानी जो शहरों में नगरों में होता है, नगरों का गंदा पानी जो नदियों में जाकर मिलता है उसी को सीवर पानी कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है दोस्तों, हॉकी से, और सेंटर लाइन से 7 गज की दूरी पर पेनाल्टी स्पॉट होता है जहां से पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है, तो 90 मिनट का होता है, 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं और 15 मिनट का बीच में मध्यांतर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था, तो आप सबको पता है विलियम जी मोर्गन ने 1895 में अमेरिका में किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं, और ये वर्गाकार होता है 20x20 फिट का होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो ए वी हिल ने किया था। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई क्रिया करते हैं तो थक जाते हैं और अंत में हाफने लगते हैं, लगता है कि हम क्रिया अब नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन को सेकेंड विंड कहते हैं। लेकिन उस कंडीशन में जब हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और जल्दी जल्दी हाफ हाफ के सांस ले करके जो हमारे अंदर शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको कमी हो जाती है, तो उसकी भरपाई करते हैं, तो उसी भरपाई को कहते हैं ऑक्सीजन दिल। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव अस्थि पंजर के घुटने हाथ पांव में पाई जाने वाली अस्थियां क्या कहलाती हैं, तो दोस्तों जोड़ों के आसपास जो कंडरा के आसपास होती हैं उन्हें कंडरास्थियां यानी कि सीसामोयड बोन कहलाता है। जैसे आकार आकृति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सीसामोयड बोन। लॉन्ग बोन में हमारा जो ह्यूमरस हाथ पैरों की हड्डियां जो होती हैं, रेडियस, अनुला, ह्यूमरस एंड टिबिया, फिबुला, ये सब आती हैं। एंड शॉर्ट बोन में हमारी कलाई की जैसे कि टार्सस और कार्पस जॉइंट, और फ्लैट बोन में हमारा मस्तिष्क का और खोपड़ी का और स्केपुला। एंड इरेगुलर जो अनियमित आकार की होती है, हमारे चेहरे की हड्डी की अर्थी रीढ़ की हड्डियां आती हैं, और कंडरास्थियां जो हमारे जोड़ों के आसपास होती हैं उसमें सबसे बड़ा पटेला है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, संक्रामक रोग निम्न में से किन साधनों द्वारा नहीं फैलता है, तो शारीरिक रूप से एक दूसरे से टच होने से फैलता है, ठीक है, जैसे गोनोरिया, HIV एंड मौखिक संपर्क से भी फैलता है, जैसे हेपेटाइटिस ए डायरेक्ट फैलता है।
लैंगिक संपर्क से भी फैलता है, जैसे गोनोरिया हो गया, एचआईवी हो गया, एक लैंगिक संपर्क हो गया। एंड किससे नहीं फैलता है, तो इसमें हो जाएगा सामाजिक से, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है, एक पूर्ण हृदय स्पंदन जिसमें एक पट और एक अनुसीतन है, एक सिस्टोल एंड एक डायस्टोल होता है, इसकी अवधि को क्या कहते हैं? तो इसकी अवधि को कहा जाता है 0.8 सेकेंड। कितना लगता है एक धड़कन में? 0.1 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में भारत के बड़ौदा रियासत में सर्वप्रथम स्कूल स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ की गई, जिसके तहत बड़ौदा के स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान बाहु प्रहार आर्म स्ट्रोक संकुचन का एक उदाहरण है। तो देख लीजिए, फ्री स्टाइल तैराकी में क्या है, कभी हम हाथ आगे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सेम गति हो रही है, और जैसा कि पानी वाले खेलों में तैराकी, रोइंग, ये सब में आइसोकाइनेटिक होता है स्ट्रेंथ, तो आइसोकाइनेटिक आपका राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है कि चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से है? तो इसका संबंध जो होता है वो थोरेसिक भाग से होता है। किससे? थोरेसिक भाग से होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, वर्तमान में सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, बट उसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अब क्वेश्चन आएगा तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इस ऑप्शन के अनुसार अर्जुन पुरस्कार होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो दोस्तों, जो मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होता है, दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक जो होता है जन्मजात होता है, और बाह्य जो है जो हम अर्जित करते हैं बाद में। तो भूख, प्यास, नींद, ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये जन्मजात है, ठीक है। तो ये तीनों आपका जन्मजात प्रेरक है, आदत जो है आप अर्जित करते हैं, ये बाह्य प्रेरक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है? तो दोस्तों, महिला वर्ग में फ्लोर एक्सरसाइज है, अनइवेयर बार है, वॉल्टिंग है, लेकिन पामेल हॉर्स नहीं है, जैसे कि पुरुषों के लिए 6 इवेंट और महिला के लिए 4 इवेंट होता है जिम्नास्टिक में। क्वेश्चन नंबर 40 है, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? दोस्तों, OCA करता है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जैसे कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन कराता है? IOC कराता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। उसी प्रकार एशियाई खेलों का आयोजन कराता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा खेल व्यक्तिगत है? तो बेसबॉल सामूहिक है, कबड्डी सामूहिक है, सेपक तकरा सामूहिक है, फेंसिंग जो है ये व्यक्तिगत खेल है, यानी तलवारबाजी। 42 है, दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी के दौड़ में धावक हाथ से जमीन को स्पर्श नहीं कर सकता? तो आपको पता है कि जो हमारी दौड़ स्टार्टिंग है वो दो प्रकार का होता है, क्राउच स्टार्ट यानी बैठकर स्टार्ट, और एक स्टैंडिंग स्टार्ट। जो क्राउच स्टार्ट होता है, बैठकर स्टार्ट, वो स्प्रिंट दौड़ जैसे कि 100, 200, 400 मीटर दौड़ों में होता है, जिसमें 3 कमांड होते हैं, ऑन योर मार्क, सेट एंड गो। और उसके बाद 400 मीटर से अधिक की दौड़ों में स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, जिसमें जमीन को टच करना हाथ से नहीं जरूरी होता है, जैसे कि हाँ उससे आगे जितने भी दौड़ हैं, तो 400 मीटर अधिक दूरी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, लिब्रो जो है वो सर्विस नहीं कर सकता, यही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे ट्रेडमिल जो है वो सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है, दौड़ में किया हुआ कार्य, इसका राइट आंसर होगा, अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने की पुष्टि के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है, तो इसके लिए निर्णय क्या होगा? तो सबसे पहले तो उसको जो इवेंट कर रहा है उसके लिए अयोग्य घोषित करेंगे, तब भेजेंगे जाओ तुम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है, माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो प्रशिक्षण साइकिल 3 होता है, माइक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल एंड माइक्रोसाइकिल। माइक्रोसाइकिल जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग योजना चक्र होता है,
तीन से बारह माह का होता है, वीजो साइकिल तीन से छह सप्ताह का होता है, माइक्रो साइकिल जिसे साप्ताहिक चक्र कहते हैं तीन से दस दिन या एक सप्ताह का होता है, तो यहाँ पे सात दिन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग में को कठिन कार्य करना पड़ता है, तो शरीर की तरफ महाधमनी इरोटा में रक्त को शुद्ध रक्त को कौन भेजता है, बायां वेंट्रिकल बायां नीले, तो बायां नीले को ज्यादा काम करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं बताया है, तो शारीरिक दक्षता, सामाजिक क्षमता, सांस्कृतिक विकास इन्होंने बताया है, तंत्रिका पेशीय तालमेल इन्होंने नहीं बताया है। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है, अहिंसा एक भाग है तो किसका है दोस्तों, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसमें से किसका है, तो सामाजिक अनुशासन की बात कहा गया है यम में, यम सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, पांच सामाजिक अनुशासन की बात कहा गया है यम में, तो अहिंसा भाग है यम का, ठीक है। और नियम में व्यक्तिगत अनुशासन की बात कहा गया है शौच संतोष तप ईश्वर प्रणिधान स्वाध्याय। एंड क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, उस शारीरिक विद्वान का नाम जिसने स्वास्थ्य से चलायमान प्रक्रिया को समझा और इसके परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखती है और बेहतर सेवा के लिए सक्षम बनाती है, तो इस परिभाषा को दिया है J.F. Williams। J.F. Williams की परिभाषा जरूर पूछा जाता है, परिभाषा आप जरूर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सी टेनिस प्रतियोगिता दूसरी सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है, तो दोस्तों वो है अमेरिकन ओपन। जैसे कि सबसे पुरानी की बात करें तो विंबलडन ओपन है जो 1877 से खेला जा रहा है, जो सबसे पुराना सर्वश्रेष्ठ टेनिस की सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। उसके बाद US ओपन है 1881 से खेला जा रहा है, उसके बाद 1891 में से फ्रेंच ओपन है, फिर 1905 से ऑस्ट्रेलियन ओपन है। लेकिन खेला कैसे जाता है, साल के सबसे शुरुआत में सीक्वेंस बाई खेला जाता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के मध्य में, फिर फ्रेंच ओपन मई जून में, फिर विंबलडन ओपन जून जुलाई में, फिर US ओपन अगस्त सितंबर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित का सही मेल करें, यहाँ पे सीके नायडू ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, तो ए का हो जाएगा 3। एंड विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो बास्केटबॉल से, तो बी का हो जाएगा 2। एंड मोर्डेका कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से, तो ए हो जाएगा सी का 1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, तो कोहलर ने किया था चिंपैंजी पर प्रयोग सुल्तान नामक, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 54 है, स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फेफड़ों की क्षमता वायु क्षमता को मापता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी महिला से संबंधित है, जबकि रंगास्वामी कप हॉकी पुरुष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है, तो अधिकतम अधिक से अधिक 16x16 होता है, कम से कम 14x14, तो यहाँ पे 16x16 राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 57 है, कबड्डी खेल में लोना कितने अंक का होता है दोस्तों, जब आपके दूसरे टीम में जब आप जा रहे हैं, मान लीजिए दो खिलाड़ी बचे हुए हैं, आप रेडर हैं, जा करके दोनों को आप आउट कर देते हैं यानी छू लेते हैं, तो 2 पॉइंट वो मिल गया, और सभी खिलाड़ी वहाँ पे आप बाहर कर दिए ग्राउंड से, 2 अंक लोना मिल जाता है, तो लोना का पॉइंट होता है 2 अंक, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 58 है, विटामिन सी की कमी से होता है, तो स्कर्वी होता है, आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, ध्यानचंद्र जी किस खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले हॉकी के प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, हैंडबॉल खेल क्षेत्र का माप क्या होता है दोस्तों, तो 40x20 मीटर होता है लंबाई चौड़ाई, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 61 है, अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है, तो अटैक लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है, वॉलीबॉल का ग्राउंड 18x9 मीटर का होता है, और उसमें से सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी 3 मीटर, अटैक लाइन से अंतिम लाइन की इन लाइन की दूरी 6 मीटर होती है।
एंड क्वेश्चन नंबर 62 है, अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो अजलन शाह कप हॉकी से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 63 है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बहुत सारे खेलों में फेडरेशन कप चलता है, लेकिन यहाँ पे वॉलीबॉल आपका यहाँ पे होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है? तो 800 ग्राम, महिलाओं के लिए 600 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 65 है, पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है? तो आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 है, भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एकत्रित करने में सक्षम नहीं होता, तो वो होता है विटामिन, जो है इस भोजन में एकत्रित नहीं होता, इसलिए डेली बेसिस पे लेना पड़ता है। एंड क्वेश्चन नंबर 67 है, लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायामों के कारण खिलाड़ियों में पेशीय मांस बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको पेशीय हाइपरट्रॉफी यानी मसल्स हाइपरट्रॉफी बोला जाता है। जब बिना एक्सरसाइज की कमी के कारण मांसपेशियां छोटी और कमजोर हो जाती है, उसे ऑटोट्रॉफी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, शक्ति प्रशिक्षण की वह प्रकार जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है, तो उसे कहा जाता है आइसोटोनिक। यानी आइसोटोनिक भी दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक में छोटी होती है, इसेंट्रिक में बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह हक्सले के द्वारा 1954 में प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने ही बताया है कि कैसे कैसे मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट क्या काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है। तो आइसोटोनिक जो है एक गतिशील व्यायाम है, तो गति से संबंधित है, नहीं गति से संबंधित है, लेकिन ये शक्ति को डेवलप करता है, तो यहाँ पे शक्ति आपका राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। शक्ति को डेवलप करने की विधियां हैं आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। एंड क्वेश्चन नंबर 71 है, शक्ति के विकास की विधियां हैं, तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, यहाँ पे ए बी दोनों आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, शरीर के किस अंग में पाया संबंधित है? तो दांतों में होता है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 73 है, सूर्य का प्रकाश स्रोत है, तो विटामिन डी है, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से त्वचा में निर्माण होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, शिविर का अनुशासन कैसा होता है? तो कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जांघ की हड्डी का क्या नाम है? तो जांघ की हड्डी का नाम है फीमर, जो शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि है। क्वेश्चन नंबर 76 है, वसा का अच्छा स्रोत होता है, तो वसा का अच्छा स्रोत होता है मक्खन। क्वेश्चन नंबर 77 है, रक्त के ओ समूह को क्या कहते हैं? तो सर्वदाता कहते हैं, ओ को सर्वग्राही कहते हैं, एबी को। क्वेश्चन नंबर 78 है, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है 0.762 मीटर और पुरुष बाधा दौड़ में 0.914 मीटर, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 79 है, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और 5 स्थानापन्न होते हैं, कुल 16 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? तो कानपुर में स्थित है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर में। एंड क्वेश्चन नंबर 81 है, आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ हुआ था, तो कब हुआ था? आप सबको पता है 1896 ईस्वी में हुआ था, 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था, 6 अप्रैल 1896 में, और पीएडी कोबर्डिन के प्रयासों से, इसलिए पीएडी कोबर्डिन को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो बाल को उछाल कर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 83 है कि मनुष्य की कबड्डी खेल खेलने का समय सीमा कितना होता है? तो पुरुषों के लिए 20-20 मिनट के दो हाफ होते हैं और 5 मिनट का विश्राम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, और महिलाओं के लिए 15-15 मिनट के दो हाफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों जैसे कि शिक्षा जो है मानसिक विकास करता है और शारीरिक शिक्षा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करता है, तो शारीरिक शिक्षा जो है और शिक्षा दोनों का साझा लक्ष्य है मानसिक विकास,
ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 85 है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में नया दृष्टिकोण क्या शामिल है? संज्ञानात्मक, मनोचालक, प्रभावी क्षेत्र, ये तीनों शामिल है। एंड क्वेश्चन नंबर 86 है कि एक राष्ट्रीय टीम का खिलाड़ी उत्तम परिणाम देने के लिए निरंतर प्रयास करे, इसके लिए उस टीम के कप्तान को विशेष रूप से कैसा होना चाहिए? तो हमेशा लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 है, सॉकर खेल में यानी फुटबॉल खेल में टीम द्वारा कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं? तो फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता है, याद रखिएगा, एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा लक्षण हठ योग से संबंधित नहीं है? तो मस्तिष्क संतुलन, प्राणायाम, आसन, एवं हठ योग से संबंधित है, शुद्धि क्रिया या षटकर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है, मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या है? तो ओमेगा 3 पाया जाता है, फैटी एसिड, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन शुद्धि क्रिया नहीं है? तो दोस्तों नेति, दोति, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, ये 6 शुद्धि क्रियाएं हैं, जिसमें नेति, कपालभाति, धोती तीनों है, बट कुंभक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 92 है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों यह चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। एंड क्वेश्चन नंबर 93 है, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों स्ट्राइकर शब्द फुटबॉल से संबंधित है। एंड क्वेश्चन नंबर 94 है, ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब कौन सा देश जीता है? तो आप सबको पता है, यह भारत जीता है। अभी तक भारत ने ओलंपिक में कुल 12 पदक हॉकी में हासिल किए हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक, और पहला बार स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में जीता, और अंतिम बार स्वर्ण पदक 1980 मास्को रूस में जीता, और 1960 में रजत पदक जीता, 1968, 1972 और 2020 जो कांस्य पदक जीता है, 2020 टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ था, 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 में लॉस एंजेलिस अमेरिका में होगा, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 95 है, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था दोस्तों? तो 1975 में हुआ था पहला विश्व कप क्रिकेट का, इंग्लैंड में हुआ था, और पहला विश्व कप वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया था, याद रखिएगा। अभी जस्ट विश्व कप हुआ है आपका, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो ये तो आपका पूछेगा नहीं, पेपर बन गया होगा, ठीक है। लेकिन वो 2019 में कौन जीता था उसको आप याद कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 96 है, हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 97 है, फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो 396 से 3453 ग्राम का होता है, इसका परिधि 2829 इंच होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो उसका इसका राइट आंसर होगा आपका, जितना ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के अनुसार 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में पहली बार आधिकारिक रूप से भाग लिया था, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि पहली बार कब भाग लिया था, अगर उसमें 1900 ऑप्शन दिया रहेगा पेरिस फ्रांस, तो 1900 पेरिस फ्रांस राइट होगा, डायमंड प्रिचार्ड ने भारत की ओर से सबसे पहले भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, लॉर्ड्स का मैदान कहाँ है? तो यह इंग्लैंड में है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना किस देश के हैं? तो ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो यह सर्वश्रेष्ठ कोच यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है, यह 1985 से शुरू हुआ, वर्तमान में इसे 15 लाख धनराशि पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 वॉलीबॉल 102 है कि बीच वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? तो प्रत्येक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं बीच वॉलीबॉल में। क्वेश्चन नंबर 103 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है इसमें? तो एनाबोलिक स्टेरॉइड मसल्स को शक्ति को बढ़ा देती है। एंड यहां पे राइट आंसर हो जाएगा एम्फेटामाइन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कौन उत्तेजित करती है? एम्फेटामाइन, ये एक उत्तेजक है, उत्तेजक स्टिमुलेंट्स में आती है। एंड क्वेश्चन नंबर 104 है, गोला फेंकने का सेक्टर का कोण कितना होता है? तो 34-92 होता है, गोला फेंक, हैमर थ्रो एंड चक्का फेंक, इन सभी का जो फेंकने का सेक्टर होता है 34-92 होता है।
क्वेश्चन नंबर 105 है, किस वर्ष में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का सम्मान दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। 106 है कि ऑक्सीजन यानी श्वास लेना है तो पूरक कुंभक रेचक के तीन घटक है प्राणायाम के। पूरक मतलब श्वास लेना, कुंभक मतलब श्वास अंदर लेके छोड़ना और श्वास बाहर लेके छोड़ना। वाह कुंभक आंतरिक कुंभक दो प्रकार का होता है। रेचक मतलब श्वास को बाहर निकालना, तो यहाँ पे श्वास लेने की बात है तो पूरक होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद प्ले में इन में होता है? तो जब गेंद के गेंद अपने परिधि भर भाग से दूर आगे जाने पर वो प्ले इन में होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि पावर ऑन एक्सप्लोसिव के लिए प्रशिक्षण विधि कहलाती है? तो दोस्तों एक्सप्लोसिव पावर के लिए यहाँ पे होगा जैसे कि फाटलेट जो है सहनशीलता डेवलप करती है, सर्किट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप करती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है शक्ति को डेवलप करती है। तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव पावर आप स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो प्लायोमेट्रिक्स आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से किसमें विटामिन सी है? तो यहाँ पे हरी मिर्च में आपका विटामिन सी है। क्वेश्चन नंबर 110 है, जॉन्डिस रोग किस निम्न में से कौन सर्वाधिक लाभकारी होता है? जॉन्डिस यानी कि हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया रोग में सबसे लाभकारी होता है गन्ना। जॉन्डिस में यकृत जो है लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 111 है कि किस खेल में सीखा गया यानी किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायता होता करता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? सहायक स्थानांतरण। जब बाधा उत्पन्न करता है अन्य खेल को सीखने में तो ऋणात्मक स्थानांतरण, जब न सहायता करता है न बाधा उत्पन्न करता है तो शून्य स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन सी साइड लेती है? तो इसका राइट आंसर होता है बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड लेता है। एक दिवसीय मैच में पावर प्ले 20 ओवर का होता है जिसमें बैटिंग तथा बॉलिंग दोनों टीम पावर प्ले ले सकती है। अंतिम 5 ओवर का पावर प्ले बैटिंग साइड लेती है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 8 वर्षों के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 को पीयर डी कुबर्टिन ने इसकी स्थापना किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 114 है, क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? तो स्टंप की चौड़ाई 9 इंच होती है, 3 स्टंप होते हैं, स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 115 है, बास्केटबॉल का समय कितना होता है? तो 10 मिनट के 4 क्वार्टर्स में ये खेला जाता है और बीच में गैप मध्यांतर 15 मिनट का होता है, 10-10 मिनट के क्वार्टर ब्रेक में 2 मिनट का होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 116 है, प्राणायाम के में रेचक का क्या अर्थ है? तो पूरक कुंभक रेचक, पूरक मतलब श्वास लेना अंदर और कुंभक मतलब श्वास को रोकना एंड रेचक मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। तो यहाँ पे श्वास छोड़ना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों खड़े होकर दीवार को पुश करना, रोमन रिंग पकड़ना, राइफल पकड़ना, ये तीनों की तीनों आइसोमेट्रिक है जिसमें न कोई मूवमेंट होता है, न मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है, न घटती है, न गति होता हुआ दिखाई देता है, एकदम स्थिर होता है। तो ये तीनों आपके आइसोमेट्रिक के हैं एग्जाम्पल, जबकि वेट ट्रेनिंग क्या है, ये आइसोटोनिक प्रशिक्षक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होना चाहिए? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही हम ग्रहण करते हैं, तो 60-65% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, 15-20% प्रोटीन की होती है, 25-30% वसा की होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 119 है, लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है और दोनों का पिछला कूद भी बराबर है, तो हम क्या निर्णय होगा? तो उसको एक बार पुनः एक कूद का और मौका उसको प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो अनुवांशिक कारक भी है, पर्यावरण आपका कैसा है, उचित है कि नहीं है, जलवायु कैसा है, गर्म है कि ठंडा है, ये सभी कारक आपको वृद्धि को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि फास्बरी फ्लाव स्टाइल किस इवेंट की तकनीक है? तो आप सबको पता है इसको फास्बरी ने लाया था 1968 में, इसमें अच्छा प्रदर्शन किया था, ऊंची कूद से हाई जंप से रिलेटेड है, हाई जंप से रिलेटेड है। हाई जंप में और सा वेस्टर्न ब्लॉट है एंड हाई जंप में और कौन सीजर्स शैली है, वेस्टर्न है, स्टर्न ब्लॉट है, स्ट्रेडल रोल है,
ये सभी हाई जंप की तकनीकी है। क्वेश्चन नंबर 122 है, वर्टिकल जंप का प्रयोग होता है। तो दोस्तों वर्टिकल जंप, जैसे कि ऊपर हम छलांग लगाते हैं, तो वो बास्केटबॉल खेल के प्ले ऑफ शॉट में भी होता है, वॉलीबॉल के ब्लॉकिंग करने के लिए भी होता है, और रोप जंपिंग में भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, इन सभी में वर्टिकल जंप का स्किल का प्रयोग होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 123 है कि शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। तो बच्चों की आवश्यकता क्या है, वित्त की क्या सुविधाएं हैं, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इनका ध्यान रखना आवश्यक है, धार्मिक आधार आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 है, पांच टीमों के लीग फिक्स्चर में कुल कितने मैच होंगे। लीग यानी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में पांच टीमें हैं। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग डबल लीग। सिंगल लीग में ज्ञात करने का सूत्र होता है मैचों की संख्या एन एन माइनस वन अपॉन टू, डबल लीग में एन एन माइनस वन होता है। तो इसमें सिंगल डबल नहीं पूछा है, तो हम सिंगल लीग का सूत्र लगाएंगे, एन एन माइनस वन अपॉन टू। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पांच टीमें हैं, तो पांच पांच माइनस वन अपॉन टू, यानी पांच गुड़े चार अपॉन टू, यानी पांच चौका बीस अपॉन टू, यानी दो से काटेंगे बीस को दस आएगा। कितना आंसर आएगा इसका, दस, यानी कि दस राइट होगा। तो पांच टीमों के लीग फिक्स्चर में कुल कितने मैच होंगे, दस टीम होंगे, दस मैच होंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, किस टेस्ट के चयन के लिए, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है। तो तीन मानदंड होता है, वैज्ञानिक प्रमाणिकता, जिसके अंतर्गत रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड आता है। एंड बी है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, शैक्षणिक प्रयोग हो उसका। तो ये सभी आपका राइट है, किसी टेस्ट में ये सभी चीजें मानदंड आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये था आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का 125 क्वेश्चंस। अभी आपके 14 प्रैक्टिस सेट हमको पुराना है आप लोगों के लिए। तो आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर, 9 को वीडियो लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।